मध्य प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं और खासतौर पर इंदौर में जो देखने को मिल रहा है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमें इस मर्तबा इस महामारी ने आईना दिखा दिया है। दो बातें बताना चाहता हूं, एक तो सकारात्मक पक्ष है, दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष यह माना जा सकता है, चूंकि इंदौर जो औद्योगिक नगर है, इंदौर के अंदर संपन्नता बहुत है, इंदौर मेडिकल फैसिलिटी काफी बेहतर है, और इंदौर देश के नंबर वन शहरों में गिना जाता है जो सफाई के क्षेत्र में माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर इस महामारी ने सबसे पहले अगर किसी शहर को अपने चुंगल में जकड़ा तो उस शहर का नाम इंदौर था। ऐसे हालात क्यों बने, ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अब इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय को दोष देने लग जाएंगे तो मैं समझता ये उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह थी कि इंदौर के अंदर जो प्रशासन था, जो पहले भी रहा और वर्तमान में भी जो है, वो इस व्यवस्था के साथ तालमेल नहीं बना पाए। कैसे नहीं बना पाए, इसका एक बहुत बड़ा सटीक उदाहरण आपको देता हूं कि जब कोरोना वायरस को लेकर ये सारी बातें शुरू हुई और जब ये मालूम पड़ रहा था कि इंदौर एक सबसे सेंसिटिव जोन बन सकता है, लेकिन हमारे का प्रशासन उतना सजग नहीं था। आपको याद है कि इससे पहले वर्तमान में भी कलेक्टर मनीष सिंह हैं, आकाश त्रिपाठी इस कार्य को देख रहे हैं और पुलिस व्यवस्था को हरिहरन जाट मिश्रा देख रहे हैं, इसके पहले रुचिवर्धन मिश्रा देख रही थी इस व्यवस्था को और लोकेश जाटव इस चीज को लीड कर रहे थे। तो जो पहले का प्रशासन था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था को तालमेल बना नहीं पाया। बनाना इस दृष्टिकोण से था कि जब ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि ये विदेशों से आने वाली बीमारी थी, ये विदेशों से ही प्राप्त हो सकती थी और मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विमान दुबई जाती है, जिसको लेकर हम बिल्कुल चिंतित नहीं थे। मुझे अच्छे से याद है कि फरवरी और मार्च के 15 मार्च तक बिल्कुल इसको नोटिस में नहीं लिया गया, ना उसको क्वारंटाइन करने की कोई प्लानिंग की गई, ना कोई सैनिटाइज करने की कोई प्लानिंग की गई, ना लोगों को चेक करने की प्लानिंग की गई, बहुत केजुअल लेते चले गए और हम टेलीविजन चैनल्स पे डिपेंडेंट रहे, मीडिया पे डिपेंडेंट रहे और खबरों के आसपास कहीं ना घूमते रहे। जहां तक डॉक्टरों का प्रश्न था, जहां तक चिकित्सा व्यवस्था की बात थी, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि बहुत संतोषजनक तरीके से स्थानीय प्रशासन ने इस व्यवस्था को अपने सिरे से संभाल लिया है। लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप यकीन मानिए, हमारे ही बहुत नजदीकी मित्र के परसों के दिन एक दुखद निधन हो गया। वो सिर्फ इस बात पर हो गया कि कई डॉक्टर्स, आप पर भी आप इंदौर शहर में थोड़ा सा एक डिफाइन कर देना चाहता हूं इस बात को बताने से पहले, कि यहां तीन कैटेगरी डिफाइन कर दी गई है, येलो, रेड एंड ग्रीन। रेड सबसे डेंजर जोन मान लिया गया है, येलो में सावधानी रखी जा रही है, ग्रीन में लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, इतने भयभीत हो चुके हैं इस बीमारी को लेकर भी कि वो अपना वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे जो उनको देना चाहिए था। बहुत बड़ा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, फिर भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे BIMS काम कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाओं में लोग जुड़े हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जिन जो नामी डॉक्टर थे वो अगर निकलकर बाहर आते, वो अपने नर्सिंग होम्स को देते हैं, अपनी फैसिलिटीज को आगे बढ़ाते, तो शायद हम इस पर बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पहले नियंत्रण कर लेते। लेकिन हाँ, कुछ कॉलेज, कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं इंदौर में, अरविंदो का जिक्र करूं, मैं इंडेक्स का जिक्र करूं, तो इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी है, अपने लोगों को बुलाया है और एक बेहतर सेवा देकर बेहतर माहौल खड़ा करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर मैं दो बातें कहना चाहता हूं, अगर सही समय पर प्रशासन जागरूक होता और इस बात को समझ लेता या तालमेल बिठा लेता कि हमें इस बीमारी से निपटने के लिए ये उपाय करना चाहिए थे, तो वो हम काफी हद तक कंट्रोल कर लेते, लेकिन चीज थोड़ी हाथ से बाहर निकल गई। लेकिन आज भी जो हालात सामने नजर आ रहे हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि इंदौर आज नहीं तो कल अपनी रफ्तार में फिर लौटेगा और जैसे देश में नंबर वन नाम है उसका सफाई के क्षेत्र में, ऐसे कोरोना की महामारी को, बीमारी को समाप्त करने में भी इंदौर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये शुभकामनाएं हम दे सकते हैं और ये अपेक्षा हम इंदौर के लोगों से, नागरिकों से, डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से, प्रशासन से, अधिकारियों से और मीडिया से कर सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।